खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां बोलेरो सवार एक दर्जन बदमाशों ने दो लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुख्य बाजार में एक दुकान पर बैठे एनसीए ग्रुप के सदस्य मनीष कौशल और बंसीलाल मेघवाल पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान हमले की सूचना पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद अस्पताल में सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और फिलहाल घायल बंसीलाल ने विजय जाखड़ के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया है। ऐसा असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये शांतिपूर्ण एरिया है और जो ये घटनाक्रम हुआ है इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ तो ये बहुत बुरा हुआ। क्या ये इनके जो अभियान चल रहा है इनको लेकर किसी को आप पसंद है किसी पे? ये कोई विचारधारा की लड़ाई है, इसी में ऐसा थोड़ी कोई हाथापाई हो किसी को घर में शांतिपूर्ण कोई कहीं बैठा हो तो उस पर हमला कर दिया जाए। फिलहाल किन पे आरोप लग रहा है? अभी तो जांच का विषय है, वो तो जो जांच के विषय में जांच पर आएगा। अभी तो कौन आरोपी है, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने ये किया कर्ता किया तो खिलाफ उसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम टिकट वितरण से नाराज थे, इसलिए हमने न्यासंद का विरोध किया था और इसकी एवज में न्यासंद ने विजय जाखड़ यहाँ भाजपा से राष्ट्रपति विष्णु सोनी ने अन्य 10-12 लोगों के साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया, जबकि हम अपनी दुकान पे मनोज इलेक्ट्रिक स्टोर मेन बाजार में बैठे थे। उन लोगों ने बंसीलाल से पहले हमला किया और जैसे ही मैं उठा उसको बचाने के लिए उन्होंने मेरे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और 3-4 बड़े डंडे थे उनके पास जो कि मौके पर ही टूट गए। पुलिस ने बरामद भी किए हैं। न्यायालय ने इससे पहले हमारे ऊपर मुकदमा करवाया था और उससे पहले विष्णु सोनी जो कि पार्षद पति है बीजेपी का और न्यायालय का खासम खास है, उसने बंसीलाल को जान से मारने की धमकी भी दी थी जो फेसबुक पर अजय शर्मा के ऊपर उन्होंने। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।